कुमाऊं में होली की हमेशा से समृद्ध परंपरा रही है। कई गांवों में होली के साथ झोड़े, चांचड़ी, लोक नृत्य गीत शैली का चलन भी देखने को मिलता है। रविवार को चीरबंधन के शुभ मुहूर्त के साथ ही रंगों के त्योहार होली का उत्सव चरम पर पहुंच गया। हल्द्वानी के आरके टेंट हाउस रोड पर गुरुकुल विहार में मातृशक्ति ग्रुप की ओर से महिलाओं की बैठक की होली का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने सिद्धि को दाता, विघ्न विनाशन होली खेले, गिरिजापति नंदन जल कैसे भरू, यमुना गहरी जैसे गीतों से माहौल में रंग भर दिया। महिलाओं ने नशे के खिलाफ स्वांग रच कर सामाजिक संदेश भी दिया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को गुजिया, चिप्स, पापड़ और छाछ पिलाकर खूब मस्ती की। कार्यक्रम में कुमाऊनी पिछोड़ा पहने नन्ही बच्चियां आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता रिया फुलारा ने किया। बात अगर महिलाओं की होली की करें तो वसंत पंचमी के दिन से शुरू होकर रंग के दूसरे दिन टीके तक प्रचलित रहती है। ढोलक और मजीरा इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। महिलाओं की होली शास्त्रीय, स्थानीय और फिल्मी गानों को समेट कर उनके फ्यूजन से लगातार नया स्वरूप प्राप्त करती रहती है। कुछ वर्ष पहले जब समाज में होली के प्रति पुरुषों का आकर्षण कम हो रहा था और तमाम मैदानी क्षेत्र की बुराइयां पर्वतीय होली में शामिल हो रही थी, तब महिलाओं ने इस सांस्कृतिक त्योहार को न केवल बचाया बल्कि आगे भी बढ़ाया। यही वजह है कि महिलाओं की होली हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती है। सब लोगों ने यहाँ होली का आयोजन रखा है। हम दो तीन गली मिलके होली गा रहे हैं। हमने सबसे पहले गणेश की होली गाई, उसके बाद चीर बांधने की होली गाई और ये रंगों का त्यौहार है, इसे अच्छी तरह से हम सभी लोग मिलके मनाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे पहाड़ियों के बारे में बहुत फेमस है सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त, तो वो लोग बहुत नशा करते हैं, तो हम यहाँ पे एक नशे के ऊपर भी एक अपना प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं, जो वाला गाना है लाल बोतल शराबा, उससे कैसे कैसे हमारे घर में हानि होती है, शराब पी के लोग ये लोग अदा कर रहे हैं। तो उसमें हम ये मैसेज देना चाहते हैं, केवल पहाड़ी लोग इतने बदनाम हो चुके हैं आज सारी सोसाइटी में कि नशा करके रात में पड़े रहते हैं, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त इसलिए बोला जाता है, तो उसको दूर करना है। होली के माध्यम से त्यौहार है, तो उसमें अच्छा खाएं पिएं और चीज़ें का ड्राई फ्रूट्स खाएं, फल फूल खाएं, जो ये कोरोना हो रहा है लाख तो उसी की चीज़ें हैं, लेकिन अपने प्राकृतिक चीज़ें अपनाएं, जिससे हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहें, पूरी फैमिली स्वस्थ रहे। तो होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, उसे का रंगों का ही रहने दीजिए। होली के शुभ अवसर पर हम यहाँ पे मातृशक्ति की सारी महिलाएं एक साथ एकत्रित हुई हैं होली का पर्व मनाने के लिए। होली का पर्व यह है कि मतों के भेदों को मिटाना, सबसे पहले कि आपस में जिनके भी मतभेद हैं हम उनको मिटाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस समय जो हमारी ये कोविड-19 ने हमारी खुशियाँ छीन ली हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा मिलके उन सब दुखों के क्षणों को भूल के यहाँ पर एकत्रित होकर होली मनाएं। सबसे पहले हमने होली का शुभारंभ किया श्री गणेश से इष्ट का नाम लेकर के, और उसके बाद मैं सुनीता जोशी यहाँ पर आप सभी को एक संचालित कर रही हूँ इस प्रोग्राम को। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमने श्री गणेश को मनाया, फिर अपने इष्ट देव को मनाया, क्योंकि हम उत्तराखंड से रहते हैं जिसे हम देवभूमि कहते हैं, तो देवभूमि का मीन्स होता है कि सारी देवताएँ देवी यहाँ पर विराजित हैं, तो उन्हीं के नाम से हम होली का संचालन कर रहे हैं। सबसे पहले होली श्री गणेश से की, फिर हमने चीर बांधना, और उसके बाद हम दो ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, जिसमें एक आशियाना ग्रुप पश्चिम और एक पूर्व, और सारी महिलाएँ हैं। लेकिन ये कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सिर्फ ये है कि मैं आप और आप मैं, साथी हाथ बढ़ाना कहा गया है, तो साथी हाथ तभी बढ़ाया जाता है जब हम सब मिलकर एक होते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि तू जीत गया या मैं हार गई, बस सबने मिलकर हाथ बढ़ाना है, एक मैसेज देना है। मैं मीडिया के थ्रू लोगों को ये मैसेज दे रही
रही हूँ कि आज जो समाज, मैं खुद एक जॉब कर रही हूँ, मैं खुद ऐसी सोसाइटी से हूँ जहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा अपने पर्व को समझने के लिए इन चीज़ों को करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, आगे वाली जनरेशन करेगी, और अगर जनरेशन को ये पता नहीं है कि चीर बांधना क्या होता है, फाग क्या होती है, खड़ी होली क्या होती है, बैठक की होली क्या होती है, तो फिर हमारा झोड़ा क्या होता है, तो इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया। और सबसे इस चीज़ को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो मैं सोचती हूँ कि हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण इस चीज़ को सबसे आगे ला सकता है, और महिलाएं ही इसको एकजुट होकर के कर सकती हैं। आज ये होली के शुभ अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आशियाना ग्रुप और गुरुकुल बिहार, और मैं ये समझती हूँ कि होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है। इसमें इंसान अपने दुख सुख भूल कर लड़ाई झगड़ा हम लोग प्रेम और सौहार्द से रहें और इस त्यौहार को बहुत प्यार से मनाएं। और इसमें ऐसा है कि हमारे, मुझे लगता है कि होली जो है कुमाऊं की होली सबसे बेस्ट होली मानी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ होली का मतलब कुमाऊं में झोड़े होते हैं, चाचरी होती है, न्योली होती है, और हमारे यहाँ खड़ी होली होती है जिसको आदमी लोग पहाड़ों में भी बहुत अच्छी तरीके से इसको करते हैं, इसीलिए करी जाती है। हमारे यहाँ जो जैसे जल कैसे भरूं में, कुछ ऐसी खड़ी होलियाँ हैं जिसमें हमारे यहाँ प्यार का, प्रेम का प्रतीक है। तो होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोग एक दूसरे को प्रेम से रहें, मिलकर रहें, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों को हैप्पी होली। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, हम सब महिलाएं आज मिलकर के होली सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं, और मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाह रही हूँ क्योंकि मीडियाकर्मी इसमें मेन भूमिका अदा करते हैं, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आप लोग यहाँ पे आए हैं। हमारी मुख्य अतिथि आज जया दीदी है यहाँ पे, जया कर्नाटक, और मैं ज़्यादा ना कहती हूँ, ज़्यादा मेरी सहपाठी अब जोशी मैम है, पंतुला मैम है, सबने बोल दिया है, होली के दिन ये मुलाकात याद रहेगी, होली के दिन ये मुलाकात याद रहेगी, रंगों की ये बरसात याद रहेगी, रंगों की ये बरसात याद रहेगी, आपको मिले रंगीन दुनिया, ऐसी हमेशा ये मेरी दुआ रहेगी। ये सभी लोगों के लिए, मातृशक्ति ग्रुप के लिए, मेरे मीडिया कर्मियों के लिए, मेरे समस्त लोगों के लिए, क्योंकि हमारा हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।